नमस्कार। आज एवीएल बिल्डिंग मोहम्मदपुर से सूचना मिली थी कि उसके साथ में एक प्लांट है जहां ईंटें बनाई जाती थी। उन्होंने बताया कि हमारे यहां एक सांप दिखाई दिया है जो कि ईंटों में छुपा बैठा है। सांप हाइबरनेशन की वजह से वहां रुका हुआ था, बिल्कुल स्वस्थ था, चल फिर नहीं पा रहा था क्योंकि ठंड पड़ने की वजह से सांपों को हाइबरनेशन में जाना पड़ता है। ये एक रेड स्नेक था जो जहरीला नहीं होता, इसे धामन भी बोलते हैं और घोड़ा पछाड़ भी बोल देते हैं हरियाणा में। हमने उसको वहाँ से ले लिया है, अब इसको हम कहीं गर्म जगह पर छोड़ेंगे बिलवा आदि में, ताकि ये पूरी सर्दी वहाँ सुरक्षित रह सके। रेड स्नेक जहरीला नहीं होता और किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जीव बड़े जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये तो किसान मित्र सांप होता है जो अक्सर खेतों के आसपास चूहों की संख्या पर नियंत्रण करता है और हमारा बेशकीमती अनाज चूहों द्वारा खराब होने से बचाता है। तो कृपया करके इस सांप को मारें नहीं, इसकी रक्षा करें। ये बिल्कुल भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता और मेरी सभी मित्रों से प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देखे कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें और अन्य सांपों के बारे में समय समय पर अधिक से अधिक जानकारियाँ आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।